चलो, कहाँ तक बात किए थे हम लोग? ट्रांजिशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे ना। तो हम लोगों को ट्रांजिशन प्रोसेस में दो प्रोसेसेस के बारे में मेनली हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक हमारा था एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और दूसरा था हमारा इमिशन प्रोसेस। फिर इमिशन प्रोसेस में दो प्रोसेसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक था हमारा स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस और एक था हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस। तो एक एक प्रोसेस के बारे में पहले डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर उनको नोट डाउन कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस हम लोग देखते हैं स्टिमुलेटेड, या इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, ये होता क्या है? हम अंडरस्टूड हैं कि ये हमारा एक स्टेट था, एनर्जी स्टेट्स थे। ये वाला जो एनर्जी स्टेट था, इसको हम वन का नाम देते हैं, इसको टू का नाम देते हैं। इस एनर्जी स्टेट को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसको हम ई टू का नाम देते हैं, इसको हम लोग ई वन का नाम देते हैं। अब ये हमारा स्टिमुलेटेड या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता था, हम लोग पहले से ही जानते थे कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर इन ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर इन ग्राउंड। वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम किसी का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इन दोनों को कैसे कंपेयर किए थे कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमी कंडक्टर में हम लोग जब बैंड थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन पढ़े थे, तो वहाँ से कंडक्शन और बैंड और बैलेंस बैंड का सिनेरियो हमारे दिमाग में आया था। और वहाँ से हम लोगों ने कंपेयर किए थे कि ग्राउंड स्टेट एज सच किस तरह है, बैलेंस बैंड की तरह है, और हमारा जो एक्साइटेड स्टेट है एज सच किसकी तरह है, कंडक्शन बैंड की तरह है। तो हमारा उस समय जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते थे, कौन से इलेक्ट्रॉन होते थे? फर्स्ट ऑफ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो हमारे बैलेंस बैंड, क्योंकि डिफिनेशन ही यही करती थी कि द रेंज ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बैलेंस बैंड, एंड द रेंज ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन एक्चुअली में जो ग्राउंड स्टेट में एटम हो उसको एक्साइट कर दो, वो एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए या कंडक्शन बैंड में चला जाए, तो वही इलेक्ट्रॉन का नाम जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन था अब वो हो जाएगा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और उस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण जो रेंज ऑफ एनर्जी जनरेट होती थी उसी को हम लोग कंडक्शन बैंड कहते थे। तो वो सेमी कंडक्टर फिजिक्स में हम लोग देखते थे। हम उसी को एज सच कंपेयर कर रहे हैं कि जो ग्राउंड स्टेट है एज सच बैलेंस बैंड की तरह है, जो एक्साइटेड स्टेट है एज सच कंडक्शन बैंड की तरह है। तो यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? ग्राउंड स्टेट में होंगे। एक सिंगल एटम पे अपना पूरा प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसी को अपने जैसा सिस्टम होगा वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट में एक एटम है। ठीक है, इस ग्राउंड स्टेट में जो एटम है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक फोटॉन इंसिडेंट कराते हैं, एक फोटॉन इंसिडेंट कराते हैं जिसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू। एक फोटॉन इंसिडेंट कराते हैं उस ग्राउंड स्टेट में जो एटम है उसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू। जानते हो फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। अब ये फोटॉन हम अपने मर्जी से नहीं इंसिडेंट करा सकते, ये भी डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है? कि ये जो फोटॉन होगा वो इन दोनों जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके डिफरेंस के क्या होगा, बराबर होगा। यानी एच न्यू बराबर ई टू माइनस E1 फ्रीक्वेंसी, यानी अगर इसका फ्रीक्वेंसी की बात करो तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 अपान H, यानी इस फ्रीक्वेंसी का फोटॉन हम लोग इंसिडेंट कराएंगे। कहाँ पे? जो ग्राउंड स्टेट है एटम। तो फिक्स्ड हो गया कि किस फ्रीक्वेंसी का फोटॉन इंसिडेंट कराएंगे, कि जो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के क्या हो, डिफरेंस के बराबर। जब फोटॉन इंसिडेंट कराएंगे तो देखो, जब ग्राउंड स्टेट में एटम हो तो जाहिर सी बात है इसका पेट पहले से भरा होगा। जब पेट पहले से भरा है तो इसके ऊपर हम इतना एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, उस एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसकी क्षमता ज़्यादा हो जाएगी तो अपने आप को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा, और ये जो ग्राउंड स्टेट में आइटम था वो कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यानी वन, ये टू, ये हमारा E1, ये हमारा E2, ये हमारा क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट है। तो एटम जो था कहाँ चला गया, कौन से प्रोसेस किया,
स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करने के बाद जो ग्राउंड स्टेट में था वो एक्साइटेड स्टेट में डाल गया, तो ये जो प्रोसेस हुआ इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड ओआर इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। फिर आइंस्टीन ने बोला, इस पे वर्क किया आइंस्टीन ने, क्या वर्क किया आइंस्टीन ने, बताया कि ये जो प्रोसेस हुआ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो एक्चुअल में ये जो प्रोसेस हुआ इसमें कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन किसके किसके बीच में हो रहा है, हाँ ग्राउंड से स्टेट यानी स्टेट वन से स्टेट टू के बीच, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी हम पी से डिफाइन करें और इसके ट्रांजिशन को कहाँ से डिफाइन करें, वन टू, वन टू कहने का सेंस कि ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, वन से टू के बीच में हो रहा है ना ट्रांजिशन, तो वन से टू के ये टोटली डिपेंड करेगा कि जो उसका एनर्जी लेवल्स है उसके एनर्जी डेंसिटी पे, यानी कि इस प्रोसेस के होने की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो डिफाइंड होगी, वो डिपेंड करेगी कि उन दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जी डेंसिटी पे। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग यू न्यू से डिफाइन करते हैं, एनर्जी डेंसिटी को हम लोग यू न्यू से डिफाइन, जानते हो फिजिक्स में जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, इम्प्लाइज दैट पी वन टू बराबर बी वन टू यू न्यू वेयर बी वन टू, ऐसे लिखो वेयर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बी वन टू इज कॉल्ड आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दोनों चीज बताते चल रहे हैं कि प्रोसेस क्या है और इस प्रोसेस के ऑन द बिहाफ आइंस्टीन ने क्या अप्रोच दिया और उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम तीनों प्रोसेस पढ़ लेंगे, तीनों प्रोसेस समझ जाएंगे, तो उसके बाद एक क्वेश्चन, इसके बाद का जो टॉपिक क्वेश्चन बनता है कि आइंस्टीन रिलेशनशिप बताइए ट्रांजिशन प्रोसेस के ऊपर। तो आइंस्टीन रिलेशनशिप ट्रांजिशन प्रोसेस मतलब वही तीनों ट्रांजिशन प्रोसेस, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन वाला, स्पॉन्टेनियस एमिशन वाला और स्टिमुलेटेड इमिशन वाला। तो जब तीनों ट्रांजिशन प्रोसेस समझ जाएंगे तब लेजर पढ़ने में और समझने में हमको आसानी हो, तो इसलिए क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो हेडिंग डालो सबसे पहले स्टिमुलेटेड आर इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अच्छा लेजर ये लेजर ट्रांजिशन प्रोसेस करके लिख लियो ना, हाँ हाँ ठीक, इसमें लिखो कंसीडर ए सिंपल टू लेवल लेजर सिस्टम, सिंपल टू लेवल लेजर सिस्टम consisting of energy levels E1 and E2 in an atom such that E2 is greater than E1
सच दैट ई टू इज ग्रेटर दैन ई वन, ऐसे लिखना ई टू इज ग्रेटर दैन ई वन एज सोन इन द बिलो फिगर, एज सोन इन द बिलो फिगर। ठीक है, ये फिगर बना लेना, बस फिगर बनाना। ध्यान देना, इसी एक्साइटेड स्टेट को किसी किसी बुक में लिखा रहता है वो आर शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट। और यहाँ पे जो इसके रुकने की एक्साइटेड स्टेट में जो रुकने की लाइफ टाइम होती है टाउ होता है, इसकी वैल्यू होती है 10^-9 से लेके 10^-3 सेकेंड के अप्रॉक्स, या इसी को जनरली हम लोग बोलते हैं आर इज इक्वल टू 10^-8 सेकेंड। ठीक है, रेंज जो होती है लाइफ टाइम, ये टाउ जिसको क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम बोलते हैं। एक्साइटेड स्टेट में रुकने के एटम की लाइफ टाइम कितनी होती है अभी बताएंगे, इसका मतलब क्या है, रेंज क्या होती है 10^-9 से लेकर 10^-3 सेकेंड, या जनरली उसको क्या बोलते हैं 10^-8 सेकेंड, जनरली हम लोग बात करते हैं। तो ये 10^-8 सेकेंड इस एक्साइटेड स्टेट में किसी आइटम के रुकने की लाइफ टाइम होती है। अभी इसका मतलब क्या अभी समझाते हैं। ठीक है, और ये जो कंडीशन है ये कब की है, जब बिफोर कोलिजन होगा, बिफोर कोलिजन होगा। और ये जो कंडीशन है कब की, जब हमारा आफ्टर कोलिजन होगा। कंप्लीट फिगर बना लेना जितना टर्म लिख रहा है। हो गया, देखो हियर बन गया, हियर सच एन एटम कैन इमिट
ओ आर एब्जॉर्ब ए फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ए फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन बाय कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? न्यू बराबर क्या है? ई टू माइनस ई वन अपान एच, ठीक है, या इसी को लिख सकते हो डेल्टा ई अपान एच, लिख लो। हो गया, नेक्स्ट लाइन्स लिखना। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द एटम्स आर इन, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द एटम्स आर इन, कहाँ पे होते हैं? हाँ, ग्राउंड स्टेट, आर इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ई वन रिप्रेजेंट करते ना ग्राउंड स्टेट को, ग्राउंड स्टेट ई वन फुल स्टॉप। इफ ए फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, अब वो न्यू के मतलब कौन सा, ये वाला, ठीक है। If a photon of frequency nu is incident on the system, is incident on the system, comma, it will be absorbed. By an atom in the ground state E1 and will therefore rise to the excited state E2 full stop. This process is called stimulated or induced absorption process. This process is called stimulated or induced absorption process. इसको underline कर देना। ठीक है, next line से paragraph change करके। The probable rate of absorption of frequency nu affecting transition from state one to two is proportional to the energy density of radiation
ऐसे एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन के बाद बगल में लिख लेना यू न्यू, एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन यू न्यू फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखना दैट इज ऐसे लिखना दैट इज ये लाइन और ये लाइन। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर वन, पूरा लिख जाओ ये लाइन ये लाइन ये लाइन। ये तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब एक नोट करके लिखना, जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया तब क्या होगा, उसके बाद की कहानी, तब दूसरे प्रोसेस में चलेंगे। नोट करके लिखना, इसके बाद एक नोट करके हेडिंग डाल दो। ये कंप्लीट लिख लिए ना, पहले लिख लो। ठीक है, एक नोट करके हेडिंग डालो, उसमें लिखो वंस द एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, वंस द एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट कमा इट कैन डीके TECAY इट कैन डीके, डीके का मतलब होता है ब्रैकेट में लिख दो इमिशन, इट कैन डीके या ब्रैकेट में लिख दो इमिशन, आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, आफ्टर ए शॉर्ट टाइम टिपिकली फ्रॉम 10^-9 सेकेंड टू 10^-3 सेकेंड, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10^-8 सेकेंड। इसकी जो एक्चुअल में रेंज होती है एक्साइटेड स्टेट में रुकने की, वो रेंज जो होती है 10^-9 सेकेंड टू 10^-3 सेकेंड होती है, लेकिन उसको हम अप्रॉक्सीमेटली कितना कंसिडर करते हैं 10^-8 सेकेंड। बुक में देखोगे तो हमेशा कहाँ लिखा रहेगा 10^-8 सेकेंड, लेकिन हमको रेंज भी पता होनी चाहिए ना क्या होनी चाहिए, वो चीज़ लिख लो। बाई टू डिफरेंट प्रोसेसेज, बाई टू डिफरेंट प्रोसेसेज, यहाँ तक लिख लिया ना, इसके बाद लिखो बाई, फुल स्टॉप मत करो, उसी में लिखो बाई टू डिफरेंट प्रोसेसेज। इसको अंडरलाइन कर देना ये सब, ठीक है। अब देखो नोट किस लिए लिखा है, क्योंकि नोट से पहले तक जो बातें किए थे वो तो एक्साइट ग्राउंड स्टेट में एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो अब क्या होगा, जब एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो उसके बाद की घटना क्या होगी, तो वहाँ पर एक देखो एक्साइटेड स्टेट में है, तो एटम कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया,
तो किसी भी एटम का, कोई भी लेजर सिस्टम हो, कोई भी एटम हो, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया है तो वहाँ पर रुकने की उसकी एक अपनी लाइफ टाइम है, वो उस लाइफ टाइम तक ही स्टे कर सकता है, उससे ज़्यादा समय तक वह रुक नहीं सकता है। इसीलिए उस एक्साइटेड स्टेट को देखो एक और नाम दिया है, क्या? शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट, यानी वहाँ रुकने की जो एनर्जी स्टेट क्षमता है, क्या वो शॉर्ट समय के लिए रुकता है। और वो शॉर्ट समय कितना होता है? 10^-9 सेकंड से लेकर 10^-3 सेकंड के बीच का, या जनरली हम लोग बोलते हैं 10^-8 सेकंड। अब सोचो कि 10^-8 सेकंड तक एटम स्टे कर रहा है, वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो क्या इतना समय हम अपने कैलकुलेशन में ला सकते हैं? अगर जनरली सोचो तो जाएगा और आएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि दशमलव के 8वें स्थान तक जाओ तब जाके तुमको 10^-8 सेकंड तुमको मिलेगा। अब दशमलव के उतने स्थान तक जाओ कि उतनी वैल्यू कंसीडर करोगे, उतने में वो एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट चला भी जाएगा और वापस लौट भी आएगा, हमको पता भी नहीं चले। लेकिन फिर भी उसका मैकेनिज्म हो रहा है, उसके वहाँ जाने से और आने से कितनी सारी चीज़ें बदल जा रही हैं, तो वो सिनेरियो हमको समझना है। और हमारा जो लेजर सिस्टम है, देखते होगे एक लेजर लाइट देखते होगे ना, यहाँ से अगर प्रेस करते होगे तो लाइट तुमको वहाँ पर दिखती होगी, एक स्पॉट्स लाइट टाइप की देखते होगे, या तुम लोग जनरली तुम लोग देखते होगे मार्केट्स में जाते हो, सुपर मार्केट्स में जाते हो, वहाँ अपनी शॉपिंग करते होगे, तो तुम्हारे जो भी प्रोडक्ट खरीदे तो उस पर बार कोड लगा होता है, और जब उसको काउंटर पर लेके जाते हो तो जो वहाँ पर एम्प्लॉई होता है वो क्या करता है, एक स्कैनर रखा रहता है, और वो स्कैनर्स में रेड कलर की स्पॉट लाइट आती है, वो जैसे ही तुम्हारे उस पर बार प्रोडक्ट पे लगाता है तो वो स्कैन होके उसको सारा डिटेल उसको मिल जाता है। वो जो रेड स्पॉट लाइट होता है एक्चुअल में वो लेजर लाइट होता है, और वो कौन सा लेजर होता है? हीलियम नियॉन लेजर। उसकी मैकेनिज्म हमको यहाँ पढ़ना है, हमने अपने सिलेबस में उस हीलियम नियॉन लेजर को पढ़ना है। और वो हीलियम नियॉन लेजर, कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेजर होते हैं, लेकिन सारे लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल और मैकेनिज्म सब एक ही तो होता है, बस वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनते होते हैं, इसलिए उसको डिफरेंट डिफरेंट पढ़ा है, लेकिन सबका फंडामेंटल्स क्या होता है? सेम होता है लेजर सिस्टम का। तो लेजर्स का ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं। तो फंडामेंटल्स मतलब वो स्पॉट लाइट जो जा रही है वो लेजर है। अब वो लेजर लाइट, वो जब लेजर एक्शन हुआ तो वो उतने में ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चले गए, एक्साइटेड से आगे हमको पता ही नहीं चला हमारी स्पॉट लाइट दिख रही, तो इतना फास्ट काम हो रहा है, कितना फास्ट, वो चीज़ हमको एनालिसिस करना है। लेकिन उसका बेसिक फंडामेंटल जाने रहोगे तभी तो वहाँ तक प्रोसीड कर पाओगे। तो सिंपल सा मतलब समझना, कोई भी आइटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वहाँ पर रुकने की उसकी जो लाइफ टाइम होगी वो 10^-8 सेकंड होगी। तो अच्छा होगा क्या, अब एक्साइटेड स्टेट से वो वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा आइटम ना, तो जो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया तो वहाँ से उसको ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इमिशन प्रोसेस करना पड़ेगा। और वो इमिशन प्रोसेस लिखा है ना कि टू डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा हमारा होगा, जो ये पूरी सिचुएशन ग्राउंड स्टेट आने के लिए दो इमिशन प्रोसेस करना पड़ेगा। एक इमिशन प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस, और दूसरा प्रोसेस होता है स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस। तो पहले स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस देखते हैं, फिर स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस, अब इसमें क्या होगा, ये स्टेट वन है, स्टेट टू है, एटम हमारा एक्साइटेड स्टेट में था, उसके बाद ये क्या किया,
अब देखो इमिशन प्रोसेस में क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि जब एटम एक्साइटेड स्टेट में है चला गया, अब एक्साइटेड स्टेट में जब चला गया यहाँ तक तो चीज़ें हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में बात कर लिए थे, अब ये क्या करेगा एटम यहाँ पर 10^-8 सेकंड तक स्टे करेगा उस एक्साइटेड स्टेट में। जब 10^-8 सेकंड वो कंप्लीट हो जाएगा तो वापस वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। अब ध्यान देना कि इस एटम के पास अपनी खुद की एनर्जी थी प्लस इसने जो एक्स्ट्रा फोटॉन इंसिडेंट कराया उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उस एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी को वो ग्राउंड स्टेट पर आने से पहले क्या करेगा, रिलीज करेगा, और रिलीज करके वापस से क्या आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक, तो जब ग्राउंड एनर्जी रिलीज किया, एच न्यू फोटॉन की एनर्जी रिलीज कर दिया तो वापस से वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस। और क्या दिक्कत होती है इसमें कि मान लो यहाँ से एक फोटॉन गया ना, एक फोटॉन इंसिडेंट हुआ था एच न्यू फोटॉन का, ये हमारा इंसिडेंट फोटॉन था ना, और ये जो एच न्यू फोटॉन है ये कौन सा है, इमिटेड फोटॉन, जो इमिट कर गया। ध्यान देना दोनों एच न्यू है तो दोनों का सेम मत समझना, एक क्या है इंसिडेंट फोटॉन है जो वहाँ पर ग्राउंड स्टेट पे एटम पे इंसिडेंट किया गया था, और दूसरा हमारा इमिटेड फोटॉन। ये तो एक सिंगल एटम के बारे में बात होगी, अब यहाँ पर दूसरा एटम भी ग्राउंड स्टेट में होगा, कई सारे एटम होंगे ना, दूसरा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा वो 10^-8 सेकंड में आएगा, और फिर यहाँ पर स्टे करने के बाद वापस से वो अपनी एनर्जी रिलीज करके वापस से कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो वो जो फोटॉन इमिट करेगा तो ऐसे फोटॉन के तीसरा फोटॉन या चौथा फोटॉन इमिट करेगा, तो इनमें जो फेज डिफरेंस होता है ये दोनों होता है वो रैंडम डायरेक्शन में फेज डिफरेंस होता है। ध्यान देना कि ये जब फोटॉन इमिट करेगा तो कई सारा जब फोटॉन इमिट हुआ तो ये जो होता है रैंडम डायरेक्शन में क्या होते हैं, इमिटेड फोटॉन्स होते हैं। तो इनके जो इंसिडेंट फोटॉन होता है ठीक है, और जो इमिटेड फोटॉन होता है ये सेम फेज में नहीं होते। ध्यान देना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें अभी इसलिए बताएंगे क्योंकि स्टिमुलेटेड और इमिशन दोनों एक तरह के दिखेंगे, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो भी इमिटेड फोटॉन्स का डायरेक्शन है वो रैंडम डायरेक्शन, कोई ये पहले दूसरा वाला इस डायरेक्शन में गया, तीसरा वाला इस डायरेक्शन में गया, तो कोई डायरेक्शन उनका मैच नहीं है। और जो इंसिडेंट फोटॉन है और जो इमिटेड फोटॉन है इनका फेज डिफरेंस भी क्या है, सेम नहीं है। और ध्यान देना कि जो भी डिपेंडेंसी होती है किसी भी इमिटेड फोटॉन्स की वो इंसिडेंट फोटॉन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो यहाँ से जो भी हमारा इमिटेड फोटॉन्स है वो उसका जो नेचर होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन में वो इनकोहरेंट नेचर का होता है। इनकोहरेंट नेचर कहने का सेंस क्यों होता है, क्योंकि ये कोहरेंट के कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि कोहरेंट के कंडीशन को फुलफिल करने के लिए उसका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और जब कांस्टेंट नहीं होगा तो वो कोहरेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं होगा। और लेजर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि क्या, कि वो कोहरेंट होना चाहिए। इसीलिए स्पॉन्टेनियस एमिशन लेजर का बेसिक प्रिंसिपल नहीं होता है, इसीलिए अभी आगे चलेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस बोलेंगे, बोलेंगे वही बेसिक प्रिंसिपल होता है ना, तो उसमें कैसे हमारे सिनेरियो चेंज होती है वहाँ पर। अब देखो इसी में बता देते हैं, आगे फिर समझा देंगे कि अब ये तो स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस होगा, अब इसी से थोड़ा एक स्टेप पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस। स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस में भी ट्रांजिशन कहाँ से होता है, 2 से 1 के बीच में होता है। तो उसमें क्या होता है, जब भी ग्राउंड स्टेट में जो भी आइटम है इसको हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा फोटॉन की एनर्जी उस पर फिर से इंसिडेंट कराते हैं, और वो उस फ्रीक्वेंसी का फोटॉन इंसिडेंट कराते हैं जो इमिटेड फोटॉन्स होता है, जो इमिटेड फोटॉन्स जिस फ्रीक्वेंसी का इमिटेड हो रहा है उसी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ये जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो एक एक्स्ट्रा फोटॉन उसके साथ इंसिडेंट करा देते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस। तो क्या होगा कि इन दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि एक सिंगल फोटॉन गया और स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस किया तो दो फोटॉन्स में कन्वर्ट होगा, और दोनों फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, उनका फेज डिफरेंस क्या है, सेम है।
जब फेज डिफरेंस सेम है तो उसका वेवलेंथ भी सेम होगा, एम्पलीट्यूड भी नहीं सेम होगा, फ्रिक्वेंसी भी सेम होगा। तो ये कैसी कंडीशंस में आएंगे, कोहेरेंट की कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। और इस सिचुएशन में जो इंसिडेंट फोटॉन होता है और जो इमिटेड फोटॉन होता है दोनों सेम फेज में होते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन में, यानी कि इमिटेड फोटॉन और इंसिडेंट फोटॉन बोथ आर इन सेम फेज और इनका फेज डिफरेंस सेम है, तो ये जो फोटॉन स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस में होता है वो कोहेरेंट होता है। क्या होता है? कोहेरेंट होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि कोई भी लेजर होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। और ध्यान दोगे कि तो जब स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस होगा तो उसमें तीनों के प्रोसेस ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगे। जब स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस होगा तो बाकी के ऊपर के तो दोनों प्रोसेस ऑलरेडी उसमें क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। इसलिए बोला जाता है चाहे कोई भी लेजर हो या मेजर हो, दोनों का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस होता है। तो कोई भी तुमसे पूछे कि लेजर या मेजर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इस प्रिंसिपल यानी स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस पर काम करता है। अब देखो डिफिनीशन कितनी अच्छे से समझ में आएगी। जो हम लोग लेजर की डिफिनीशन क्या दिए थे कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस के द्वारा लाइट का जो भी रेडिएशन होता है एम्प्लीफाई करके, वो जो प्रोसेस होता है, वो जो टेक्निक होती है, वो हमारी लेजर कहलाती है। अब देखो इसमें टेक्निक क्या होती है, एम्प्लीफिकेशन क्या हुआ, यानी कि जब भी कोई भी लेजर स्टिमुलेशन एमिशन प्रोसेस किया तो एक फोटॉन से किसमें फोटॉन में कन्वर्ट हुआ, दो फोटॉन में कन्वर्ट हुआ, फिर ये फिर वापस गया स्टिमुलेशन एमिशन प्रोसेस किया, ये सिंगल फोटॉन दो फोटॉन में कन्वर्ट हुआ, ये फिर प्रोसेस के स्टिमुलेशन दो प्रोसेस में कन्वर्ट हुआ, फिर ये दो में, फिर ये दो में, ये दो में, ये दो में, ये दो में, इसी तरह पंच के रूप में हमारा लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है ना। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है क्या, ये एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस हो रहा है ना, तो लाइट का एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस के द्वारा। तो उसकी डिफिनीशन में पूरा राग छिपा हुआ है। तो जब तक हम स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस नहीं जानेंगे तो उसका डिफिनीशन नहीं समझ पाएंगे उसका। इसलिए बोले थे जब फुल फॉर्म लिखाए थे फर्स्ट टर्म लेजर के कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन, वहाँ बोले थे कि स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस की मीनिंग है, उसका मतलब है क्या होता है, तब लेजर बहुत अच्छे से समझ पाओ, बेसिक फंडा उसका समझ पाओ। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आएंगी कि क्यों उसका डिफिनेशन दे, उसके डिफिनेशन में ही उसका सब कुछ छिपा हुआ। तो ये जो प्रोसेस होता है स्टिमुलेशन इमिशन, यही पूरा का पूरा थीम है। अगर ये समझ गए तो पूरी थ्योरी समझ जाओ, क्योंकि कहीं भी लेजर का ट्रांजिशन की बात आएगी यही सारी घटनाएँ बार बार हर जगह होंगी, चाहे ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस होगा, तीनों में डिफरेंस पता है, तीनों का कॉन्सेप्ट पता है, तो हर जगह यही मैकेनिज्म होना है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आए, तो चलो एक बार फिर से बताएंगे। अब स्पॉन्टेनियस तक पहले नोट कर लें, फिर जब स्टिमुलेशन की बात आएगी एक बार फिर से उसको रिवाइज कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखो when an atom is in excited state E2 falls on the ground state E1 by spontaneously emitted a photon of frequency nu, then the process is known as स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस। इसको अंडरलाइन कर देना, देन द प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस। अंडरलाइन कर देना, ठीक है।
एंड हैज बीन सोन, एंड हैज बीन सोन इन द बिलो फिगर, इन द बिलो फिगर, ये फिगर बना लो। आदित्य सर क्या शुरू किए हैं तुम लोग को, कौन सा पेपर? एक दूसरा फिजिक्स चल रहा होगा बाकी दिन, क्वांटम। हो गया, उसके बाद लिख लेना इसके नीचे इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ पॉइंट वाइज करके लिखना। इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और फिर पॉइंट वाइज करके लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखना, द इमिटेड फोटॉन हैज एनर्जी एच न्यू एंड कैन मूव इन रैंडम डायरेक्शन, एंड कैन मूव इन रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम वेरियस एटम्स इन द असेंबली हैव नो फेज रिलेशनशिप बिटवीन देम। No phase relationship between them. Next point, the rate at which electron falls from excited state E2 to ग्राउंड स्टेट E1 द रेट एट विच इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट ई टू टू ग्राउंड स्टेट ई वन
एट एवरी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स remaining in excited state E2, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी डिपेंड्स ओनली ऑन टू एनर्जी स्टेट्स.